हेलो गाइज, हमने प्रीवियस वीडियो में देखा है कि फ्लिपकार्ट से हम कैसे ऑर्डर कर सकते हैं, वो भी कैश ऑन डिलीवरी। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं उसका ऑपोजिट सेंटेंस। जैसे कि फ्लिपकार्ट से हमसे कोई गलती से ऑर्डर हो चुका है और ऑर्डर हम नहीं करना चाहते, उसको कैंसिल करना चाहते हैं, तो हम कैसे करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, मैं आपको कुछ स्टेप दिखा देता हूँ, स्टेप को फॉलो करते जाइए, आपका ऑर्डर कैंसिल हो जाएगा 100% राइट। तो यहाँ पे देखिए, अकाउंट में चलते हैं। अकाउंट में जाने के बाद यहाँ पे ऑर्डर वाला सेक्शन मिलेगा, यहाँ पे हम चलते हैं। यहाँ पे देखिए, हमारा एक ऑर्डर हो चुका है। जैसे कि मैंने एक फ़ोन को ऑर्डर किया था, Realme C35। तो यहाँ पर मैं टैप कर लेता हूँ। ये वाले ऑर्डर को फ्रेंड्स मुझे करना है कैंसिल, तो कैसे करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, आपको सिंपल से कैंसिल वाला ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पर टैप कर लेते हैं। टैप करने के बाद यहाँ पे आपको रीज़न डालना पड़ेगा कि आप कैंसिल क्यों करना चाहते हो। तो मैं सिंपल से ये कर ले डाल देता हूँ रीज़न, कि मेरा माइंड चेंज हो चुका है। तो यहाँ पे मैं टैप कर लेता हूँ। यहाँ पे आप अपना जो भी डालना चाहते हो वो रीज़न डाल सकते हो, यानी कि I already purchased another phone। यहाँ पे रीज़न में डाल देता हूँ, कमेंट डाल देता हूँ, यहाँ पे सबमिट रिक्वेस्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे देखिए, हमारा जो भी ऑर्डर था वो कैंसिल हो चुका है। तो यहाँ पे देखिए, चेक स्टेटस पे भी चलते हैं हम, जिससे हम देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए, हमारा ऑर्डर हुआ था जो अभी हमने कैंसिल भी कर दिया है। तो फ्रेंड्स, इस तरह से आप फ्लिपकार्ट में किसी भी ऑर्डर को अगर गलती से हो चुका है तो कैंसिल कर सकते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, उसके साथ नोटिफिकेशन बेल को दबा के ऑल पे से कर दीजिए, क्योंकि ऐसे ही मैं और सब वीडियो लेके आता रहता हूँ। और मेरे वीडियो को मिस ना कर पाए इसकी वजह से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।